बीती शाम मुंबई में जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में कई सितारों ने अपनी हॉटनेस के जलवे बिखेरे। बहुत से स्टार्स बेहद स्टाइलिश लुक में नजर आए। इस इवेंट में सारा अली खान से लेकर ऋतिक रोशन ने अपने स्टाइल से चार चांद लगाए। चलिए दिखाते हैं कौन कौन सा सितारा किस किस लुक में नजर आया। जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में बॉलीवुड के एक्टर ऋतिक रोशन नजर आए। अवार्ड शो पर ऋतिक रोशन ने कोट पैंट पहना था जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे थे। जीके अवार्ड पर कटरीना कैफ भी दिखाई दी, वो अपनी ड्रेस में काफी हॉट लग रही थी। उन्होंने पैंट सूट पहना था जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। साथ ही अपने बालों को खुला रख कर किया अपने लुक को कम्प्लीट। इस आउटफिट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शाहिद कपूर का जलवा देखने लायक था। वो ब्लैक कलर के कोट पैंट पहन नजर आए जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहे थे। शाहिद के साथ साथ सारा अली खान ने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उन्होंने इस इवेंट में जाने से पहले एक फोटो शूट करवाया था जो कि पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनकी खूबसूरती देखने लायक थी, पूरी महफिल की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। इस इवेंट पर आयुष्मान खुराना, जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल की सफलता के आधार पर अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ पहुंचे, ये कपल साथ में काफी क्यूट भी लग रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। इस इवेंट में मानुषी चिल्लर भी नजर आए। उन्होंने डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी सजलिंग हॉट लग रही थी। साथ ही उन्होंने अपने एलिगेंट हेयर स्टाइल से अपने लुक को कम्प्लीट किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरवीन चावला भी जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स पर पहुंची जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। सुरवीन के साथ साथ रेहा चक्रवर्ती भी इस इवेंट में नजर आई। अवार्ड्स के दौरान नील नितिन मुकेश भी दिखाई दिए। शो पर वो काफी स्मार्ट लग रहे थे। साथ ही अपार शक्ति और सारा भास्कर भी इस इवेंट का हिस्सा बनी। ओवरऑल जीक्यू की शाम रही बॉलीवुड से सजी हुई। साथ ही इन स्टार्स की मौजूदगी ने बनाया इस इवेंट को और भी शानदार। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इन स्टार्स के स्टाइल स्टेटमेंट को 1 to 10 में रेट करें।